कुछ ट्रेन को डाइवर्ट कर रहा है उसके मैंने उनमें से जो हावड़ा श्याला आने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट ट्रेन है गुवाहाटी से सरायघाट जो ट्रेन है हमारा 1-2-3-4-6 वो सिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होकर आ रहा है 1-2-5-1-0 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस वो भी आ रहा है हमारा डाइवर्टेड रूट से आपका 2-2-3-0-2 जो एनजेपी हावड़ा वंदे भारत है वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है सिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होते हुए और 15962 कामरूप एक्सप्रेस वो भी डाइवर्टेड रूट आ रहा है और 3148 उत्तरबंग एक्सप्रेस भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं 12:40 में वहां से खुल चुकी है और किसी भी टाइम वो तो ज्यादातर पैसेंजर मालदा के है बोलपुर के है तो उसमें यहाँ भी आ जाएगा राइट टाइम में आ जाएगी। डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है सीपीआरओ एनएफ रेलवे उसमें 3 आदमी है जो आपका रेलवे एम्प्लॉय बताया गया उसमें 2 पायलट है और 1 गुड्स का गार्ड है तो पैसेंजर्स आर सेफ यू कैन एश्योर पीपल पैसेंजर्स आर सेफ। देखिए उससे क्या मतलब आपको उस ट्रैक से ट्रेन आ चुकी है ट्रैक से ट्रेन निकल चुकी है वही ट्रेन आ रही है। रेस्क्यू का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और 1 गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है और मैं आभारी हूं गांव वालों का इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहां पे लगे हुए हैं और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। सारे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जो अभी तक आंकड़े ध्यान में आए हैं करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लास्ट इंस्पेक्शन अभी भी कोचेस के अंदर में देखा जा रहा है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है और 25 से 30 लोग क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े इस समय आपको किसी के पास नहीं मिलेंगे वो आंकड़े 1-2 बदले भी
बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 2 घंटे में सरकारी आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। रेलवे मंत्री जी का भी आने का खबर मिल रहा है। रेलवे मंत्री सवेरे से नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं और रेलवे मंत्री अगले घंटे भर में जो है स्पॉट्स पे पहुंच चुके होंगे और यहाँ पे सारा पुलिस प्रशासन भी सवेरे से लगा हुआ है। सर, रेलवे अधिकारी के साथ कौन कौन सी टीम है, जैसे एनडीआरएफ भी है, कौन कौन है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन, डीएम स्वयं यहाँ पे मौजूद है और रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि जनरल मैनेजर कल वो गुवाहाटी रहते हैं तो मुझे लगता है वो सवेरे निकले थे 8:30 बजे, तो अगले घंटे भर में वो भी पहुंच चुके हैं। आर्मी को बुलाया जा रहा है इसके लिए? देखिए, अब जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जो एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से रेलवे कार्रवाई करेगा। और पहला अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बोगियां ऊपर चढ़ी हुई उनको उतार करके ट्रैक को क्लियर करें। राज्य सरकार से किस तरह की मदद मिल रही है? देखिए, राज्य सरकार, जहां तक पुलिस प्रशासन है, वो अपना काम कर रही है।